गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरे घर में सबकी अकाल मृत्यु क्यों हो रही है? मेरे पापा के दो भाई थे। माइक को छोड़ दो, आप केवल बोलो। सबकी अकाल मृत्यु हो गई, हमारे यहाँ कोई नहीं बचे, बस दो बहन है और माँ है बस। और भाई? मतलब कि कोई सुसाइड कर लिया, 27 साल का था और एक कुआं में डूब गया, पिताजी को गोली लग गई। और फिर अभी मतलब जमीन जगह जो है उस पर बुआ लोग केस कर दी है। हम लोग बहुत परेशान है इन सब चीज़ों से। तो बुआ लोगों को समझाइए कि वो ऐसा ना करें, दुर्बल को सताना नहीं चाहिए। केस कर चुकी है बाबा। खुश रहिए, चिंता ना करिए, कुछ आप लोग देखिए जो अच्छा हो सके अपने लिए वो करिए। हमने दो जमीन दे दिए हैं, 2 कट्ठा। हाँ, फिर भी बोलते हैं हमको और चाहिए। क्यों चाहिए भाई? फिर आप लोग भी अपनी तरफ से केस इत्यादि करवाओ कि भाई क्यों चाहिए, सब कैसे दे देंगे, फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? बहुत परेशान कर रखा है सबने। समझाओ, अधिक परेशान किसी को नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान फिर अपनी लाठी चलाना शुरू कर देते हैं। खुश रहिए, चिंता ना करिए, भगवान गुरु जी के प्रणाम चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी हम ऊपर माताओं से मिलके प्रसाद पा लीजिएगा आप लोग, ठीक है? खुश रहिए, बोलो। एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ, हम जो आपसे माला लिया था, मतलब मन में हमेशा जपते रहते हैं श्रीमन नारायण, पर सुबह हम खाली 5 बार कर पाते हैं, उसमें भी हमारे 3 घंटे चले जाते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ते हैं। कोई बात तो हम पूरा नहीं कर आप पाते। तो चलते फिरते श्रीमन नारायण बोलिए। नहीं तो मतलब माला पूरा नहीं कर पाते, उसका आपकी आज्ञा नहीं मानने का पाप लगेगा ना, यही मन में सवाल था। कोई पाप नहीं लगता, भगवान का नाम जितना ज्यादा लो अच्छा, उसका कोई पाप नहीं है कि नहीं ले रहे हैं तो पाप है। खूब प्रेम करो भगवान से बस, ठीक है? चलो गुरु जी, राधे राधे। हाँ गुरु जी, मेरी बहुत तमन्ना थी आपके दर्शन करने के लिए। गुरु जी हम सब परिवार के साथ आए हैं आज, बहुत दिनों में आपका दर्शन हुआ है। गुरु जी हमें आशीर्वाद दीजिए, सारे परिवार आपके चरणों धो खाने चाहते हैं। गुरु जी प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, आ जाइए। राधे राधे गुरु जी, अभी अंदर बैठेंगे, सबको मिल लेने, अंदर बैठिए, अंदर बैठ जाइए, जाके अंदर मिलेंगे सबको। अभी बोलो बेटा। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी भगवान का तो सब कुछ पता ही है, तो ब्रह्मासुर को क्यों शिव जी ने ऐसा वरदान दिया जो बाद में उनको श्री कृष्ण का शरण में जाना पड़ा, जो जिसके हाथ से तुम रखोगी वो भस्म हो जाएगा, ऐसा क्यों वरदान दिया ब्रह्मासुर दत्तों का? भगवान शंकर भोलेनाथ है ना, नाम भोले हैं, इसलिए भोले भाले शंकर जी कुछ भी मांगे भक्त दे देते हैं। जानता था जो गलत कर, जानते थे फिर भी दे दिया। अब ये थोड़ी जानते थे कि चेला मेरे ही ऊपर हाथ रखने आएगा। तो गणेश जी का दांत किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा? गणेश जी का दांत कहा जाता है कार्तिकेय जी परिक्रमा, इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, एक समझा देता हूँ। कार्तिकेय जी आए परिक्रमा लगा के, गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा लगाई, गणेश जी हंसने लगे तो कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कुछ, मैंने तो देखा है परशुराम ने उसको गुस्सा से दांत तोड़ दिया। वो तो फिर शनि का भी है कि शनि के कारण भी दांत टूटा, बहुत सारी कथाएं हैं, अनेक अनेक कल्प की हैं। अच्छा, हाँ। तो तुलसी के पत्ता हम लोग तो तोड़ती है, पेड़ पौधे तो नहीं तोड़ के पूजा कर सकती है, गलत होता है ना? किसका? तुलसी का पत्ता का पेड़ काट के पूजा करती है, देखा मैंने, तो हम लोग तो पत्ता तोड़ के पूजा करते हो। हाँ, तुलसी है, तुलसी के पत्ते तोड़ के ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाते हैं बस, और तुलसी के पेड़ काट के तो चढ़ा रही है, पेड़ काट के कहां पत्ते तोड़ते हैं बस। तो मैंने तो देखा मंदिर का वो पेड़ का जो वो काट के पूजा करती है। पेड़ तो जड़ से जब तुलसी पक जाती है पूरी सूखने की स्थिति, तब उखाड़ लेते हैं उसको, बाकी तुलसी के पत्ते ही तोड़े जाते हैं, पेड़ नहीं उखाड़ा जाता, सूख जाए तो अलग विषय है। तो गुरु जी काल अपने कथा में बताया था जे तीर्थो धाम में कोई स्नान करेगा गंगा जमुना में, तो उनको लड़का लोग 2 मिनट रुक जाए, जो पूर्व पुरुष उसको जो पानी शरीर से निकलती है वो पानी पूर्व पुरुष पाती है, तो लड़की लोग का क्यों नहीं है? वो तो एक ही पिता माता का संतान है। लड़की का केवल श्राद्ध करने का विधान है गया जी में, यदि लड़की श्राद्ध करती है तो हम लोग तीर्थों में स्नान करके रुक नहीं जाती है। नहीं, आप भी रुक सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, पर ऐसा कोई बारण नहीं, तो नहीं कोई दोष नहीं है, पर विधान है कि पुरुष लोगों के शरीर से, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाने वाला जो पुत्र होता है
उसी से पितरलोक पानी इत्यादि लेते हैं। लड़की से केवल पिंडदान लेते हैं, वो भी आपसे पानी कहाँ लेंगे, सिर्फ गया जी में। हाँ। आपसे श्राद्ध जब पिंडदान सब वहाँ गया जी में होगा। इसलिए तो गुरु जी कल अपने जो मासली के बारे में वो लड़का ने बोला था, तो पहले तो माँ बाप सही नहीं है, क्योंकि माँ बाप ही गलत चल रही है। मेरे तरह से आप समझिए, जे मैंने बंगाली है तो मेरे पड़ोसी है, उन लोग बोलती है मेरे माँ को जे तुम वो बेटी साधु बन गया, ये सन्यास लेगा शादी नहीं करेगा, ये मासली क्यों छोड़ दिया, पैदर्शन क्यों छोड़ दिया। तो उसको मेरे माँ कोई जवाब नहीं देती है, मैंने बुरा कर्म करती हूँ, शराब पीती हूँ, तो मेरे माँ तुरंत जवाब देगा जो तुम्हारा बेटी तुम्हारा बेटा तो ऐसा करती है, क्योंकि अच्छा कर्म जब मैंने करती हूँ उसको जवाब मेरे माँ नहीं देता है। घर में आके मेरे को ही रोक देती है जे नहीं बेटा गलत बोल रही है पड़ोसी, मैंने कितना बार समझाया उन लोग नहीं समझाती है, ऐसा मेरे माँ बाप की गलती है, उसको गलती से ही हम लोग के इधर से ये रास्ता भटकते रहती हूँ। कोई बात नहीं, सब आप समझदार हैं, अब आप सबको समझाना, आप बहुत समझदार हैं। माँ बाप अब तो कितना बार बोला है माँ बाप को सुधराना, वो तो सुधराते नहीं है। मैं तो पिता आपके माँ बाप नहीं सुधरते, नहीं सुधरते नहीं, उनको यहाँ लाओ वृंदावन में, यहाँ वो नहीं आएंगे, बोले उधर पे जाए क्या करेंगे, आपको भाषा तो समझ में नहीं आती उनको हिंदी। चलो फिर जो भगवान जी चाहेंगे, छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर।